गुड मॉर्निंग। ये दुपट्टा मैं ओढ़ के ट्राई कर रही थी, मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ये प्रमोशन में सूट आया था हमें। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइज। आई थिंक जब कोई नए रूम में शिफ्ट होता है तो उसको 1-1.5 मंथ तो लगते हैं कंप्लीट शिफ्ट होने में। वही चीज चल रही है, घर में प्रॉपर सामान नहीं है। मतलब नॉर्मल सामान तो है सोने उठने बैठने खाने पीने के लिए। एक होता है ना कि एक पूरा सेट घर हो, और बहुत सारे लोग होम टूर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो होम टूर तो आई थिंक मैं घर से आऊंगी जब दिसंबर में, तब मैं आपको होम टूर दे पाऊंगी, क्योंकि अभी सेट ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऑर्डर की है मैंने, सोफा, कारपेट, लाइट, डेकोरेटिव आइटम्स, सब कुछ अभी ऑर्डर किया है। धीरे धीरे आएगा, तो धीरे धीरे मैं आपको होम टूर भी दे दूंगी। अभी चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। हम सुबह उठे थे 8 बजे, बर्फी को घुमाया फिराया, हमने चाय पानी किया, और अभी सूट आया था तो हम सूट देख रहे थे कि क्या क्या आया है प्रमोशन में, वर्क्स एंड ऑल। और उसके बाद अभी मुझे आज छठ का सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, अभी लिखना है उसके पहले। सोचो कि आज रिकॉर्डिंग है और मैंने गाना अभी तक लिखा भी नहीं है, हाफ लिखा है हाफ नहीं लिखा है, तो ये चीज चल रही है। अभी चल के नहा के पहले पूजा करते हैं, क्योंकि जब से कृष्ण जी आए हैं घर में तब से मैं बिना पूजा किए दिन की शुरुआत नहीं करती हूँ। बेसिकली खाना वाना नहीं खाती हूँ बिना पूजा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डे। बर्फी यहाँ पे सोए हुए हैं अपनी पुच्छी निकाल के, और यहाँ पे है पुच्ची। थोड़ा सा फैन ऑफ करो, आवाज बहुत नहीं आएगी। यहाँ पे है पुच्ची जिसको हो गई है सर्दी जुकाम, तो इसको मैंने तेल लगाया बाल में। देखो इसको मैगी खाने का मन है, करू तेल? मेरा मैगी खाने का मन है। मैगी खाएगी? तुम तो बोली थी कि तुम्हारे साथ हम भी हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे। खाना है अभी, ये कल पूजा किया था मैंने, कल शाम में पूछी ने दिया भी जलाया था यहाँ पे, तो सब साफ करेंगे। और चलिए चलते हैं दिन की शुरुआत करते हैं। पहले आपको दिखाती हूँ कि आज मैं नाश्ते में मैं ये ओट मिल खाने वाली हूँ। सर्दी की वजह से है ना। हाँ। चलो ठीक है, खा लेना। मैगी है, मंगाना पड़ेगा। नहीं है बाबू, मेरे काजू। अभी फूल साफ कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आज की पूजा के लिए फूल ही नहीं मिला है, जो है उसी में पूजा करना पड़ेगा। मेरे गांव में ना, मेरे घर से पूरा गांव फूल तोड़ने आता था। हाँ। इतने मेरे घर पे फूल के पौधे, पेड़, जो भी कह लो। और यहाँ पे दूसरे गाँव से भी आते थे, दूसरे गाँव से लोग आते थे। मतलब नवरात्रि के टाइम पे स्पेशली लोग फोन करके बोल देते थे कि फूल रखना हमारे लिए। इतने पेड़ पौधे हैं मेरे घर पे फूल के, और यहाँ पे देखो खरीदना पड़ता है, तो नीचे भी नहीं है, वो हट गया है दुकान। सुबह सुबह खरीदना पड़ता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरे को लेट हो गया है थोड़ा आज, तो जो है उसी में पूजा करते हैं, पहले सफाई करते हैं। बाबू आ रही है पूजा में, कहाँ है वो बाबू? पूजा नहीं कर रहे हो? बाबू मेरा शाका हारी है। क्या खाया है? दही चूड़ा ना, दही चूड़ा। वो बता देगा कि बिहारी कुत्ता है ये, ऐसा डॉग कहीं मिलेगा? तुम्हारा पूजा स्टार्ट ही नहीं हो रहा। स्टार्ट हो गया, पूजा तो दिन होगा ना। अच्छा ठीक है। और इतना जानते हो अंधेरा क्यों आया? क्योंकि ये बंद था बाबा। ये लो आती ले लो, तुम ही दे दो मेरे को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा बाबू आरती लेता है। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। ये सूट मिला था मुझे, मैंने वही पहन लिया था, क्योंकि बहुत जल्दी थी पूजा करके, फटाक फटाक मुझे खाना खाना था, भूख लगी है मुझे, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है गाइस। पुची ओट मिल कैसे बनता है बता दे मेरे को। दूध भी तो डालेगा ना, और इसके बाद क्या डालोगी? ड्राई फ्रूट है ना, इतना और नहीं और डालना। हाँ ड्राई फ्रूट है ना, इधर उधर कहीं है। फ्रिज बंद नहीं हुआ था ढंग से, सेब भी डालोगी? गाइस जब डब्बे मंगाए थे मैंने ना, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं डब्बे जिंदगी में कोई ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी, लेकिन ये देखो सब भर गया। फिर डेट्स लो, ये लो। हनी हनी कहाँ होगा? हनी अंदर है, इतना ऊपर है पहुंचते नहीं, नट रहे क्या? ले ये ले। अरे बाप रे बाप, ले लो। कुछ अगर हनी नहीं मिला तो हम खाएंगे कैसे? नहीं मिल गया, ये देखा है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की ना कुछ, मेहनत करने वालों की। ओके अभी ये बन के तैयार होने वाला है, इसकी शक्ल देखो, देख के लालच आ रहा है मुझे। तो आज मैं फिर से डाइट पे जाने वाली हूँ, और इसने बोला था कि मैं भी तुम्हारे साथ डाइट करूंगी, लेकिन अभी कह रही मैगी खाएगी। अब सुना मेरे को, बताओ क्यों मैगी खाने? सुना मेरे को पूछे, हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। इतना टेस्टी हलवा बना था, बहुत सिंपल था, लेकिन मैंने उस हलवा में इस बार ड्राई फ्रूट डालना, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। बस 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 बस, गाइस ये है मेरा नाश्ता, और पुची खाएगी मैगी। अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, ये करके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ए हम लोग टीका नहीं लगाए पुची? कोई बात नहीं, खुद ही मैगी बना रही है, क्योंकि इसको इसी के हाथ का स्वाद चाहिए। ये क्या बात हुई? दे बनाए, ठीक है गाइस। ये पुची की रेसिपी घी डाल के बनाती है मैगी, ठीक है। ये 3 मिर्ची जाने वाले थे, 3 मिर्ची क्यों खा रही है? एक साथ खाया हुआ जाएगा नहीं, इतना सीखा हो जाएगा। गाइस ये स्पेशल मैगी बनाती है घी में डाल के। और सुनो मिर्ची हम लोग भुजिया या सब्जी में एक खाते हैं, लाइक ये मिर्ची है तो एक मिर्ची डालता है, वो भी फोरन के टाइम, ठीक है ना, तड़का के टाइम पे मिर्ची उन्हें ऐड ही नहीं करता। आज 3 मिर्ची ऐड कर रहा है। क्यों? तुम 3 मिर्ची तुम खा पाओगी? तब मैं कुछ तीखा खाने वाला नहीं, बताऊंगा
अभी उसकी मैगी बन रही है गाइस, उसका मैगी का रेसिपी चाहिए तो बोल देना, अगले व्लॉग में दिखा दूंगी, अभी तो नहीं दिखाऊंगी। चलो जो लोग कुक करते हैं, ठीक है, जो लोग कुक करते हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि वो कुछ बहुत टेस्टी खाने के मतलब वो लोग बीमार हैं, ठीक है, वो कुछ बहुत टेस्टी खाने में क्या रिकॉर्ड कर रही है, सॉरी। हाँ, तो अगर जो लोग कुक करते हैं और वो लोग बीमार हैं लेकिन उनको बहुत टेस्टी खाने का मन है, बाहर से नहीं मंगा सकता है, तो वो लोग ना दूसरे के हाथ का भी नहीं खा सकते क्योंकि उनको वही टेस्ट चाहिए जो उनके हाथ से आता है, इसे खुद बना रहे हैं। हम लोग रेसिपी बता देंगे, खड़े को बना भी लेंगे, लेकिन वैसा नहीं आएगा जैसे मेरे को चाहिए एग्जैक्टली। ओके, इसकी सूपी मैगी तैयार हो गई है, सूपी ज्यादा ही मटन है, सूपी प्लस लोडेड विद वेजीज, देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, मन तो कर रहा है खा लूं एक चम्मच, लेकिन चलो यार डाइटिंग मेंटेन करते हैं। सुनो हम जा रहे हैं सोने, हमको बहुत तेज नींद आ रही है, हमको आ रही है बहुत तेज नींद, हम जा रहे हैं सोने, दुनिया जाए तेल लेने, हमको आ रही है नींद, मस्त नहा के खा के जो नींद आती है ना गाइस, आधे घंटे ज्यादा नहीं सोंगे, पुची आधे घंटे में उठा देना, तो वही बोल रही हूँ, आधे घंटे में उठ के काम करना है बहुत सारा। बाबू को बुला लो अपने पास। हाय एवरीवन, एक बात बताऊँ, जिस टाइम मैंने व्लॉग बंद किया था उस टाइम दोपहर के 1 या 1.5 बज रहे होंगे, खाना खा के लेट गए थे हम, सोचा था दोपहर में पनीर सैलेड खाएंगे लंच में, और उसके बाद हम लोग उठे हैं, मतलब मैं उठी हूँ शाम को 5 बजे और अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो हमने सुबह में कुछ खाया ही नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, और अभी रात में थोड़ा सा कुछ अच्छा बना है, ये बनी है पालक पनीर जो मेरी बहन बहुत अच्छा बनाती है, और ये हलवा अभी प्रोसेस में बन रहा है, और पुची को मतलब मुझे पालक पनीर के साथ पर्सनली चावल बहुत पसंद है, बट पुची को पराठे खाने हैं तो मैंने आटा गूंथ लिया है, अभी मैं जा रही हूँ पुची के लिए पराठे बनाने, हम आपसे कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है अगला दिन और सुबह सुबह का टाइम है, तो पूजा की तैयारी चल रही है, अभी पुची मंदिर साफ सफाई करके फिर पूजा करेगी, और सुबह की शुरुआत हुई है पार्सल रिसीव करने से जो कि एक डेकोरेटिव लैम्प था, तो चलिए इसको साथ में मिलकर डेकोरेट करते हैं गाइस। आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने फाइनली बना लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ। नाउ डू लेट मी नो हाउ इज इट लुकिंग, मैं इस पे कुछ डेकोरेटिव पीसेज ऑलरेडी रख चुकी हूँ, ये साइकिल मैंने अभी मंगाई है, बहुत क्यूट लग रहा था मुझे, एंड ऊपर नीचे मैंने ये रखा हुआ है, अभी इसको और डेकोरेट करेंगे अच्छे से, एंड लाइट भी चेंज करेंगे ब्लू से, कोई भी लाइट चेंज कर सकते हैं, उसमें 16 मिलियन कलर्स हैं, और ये देखो सोफा की क्या हालत हुई पड़ी है, ये बर्फी महाराज ने किया है, ये मेरी गलती है कि सब जानते बूझते हुए भी मैंने डार्क कलर का सोफा नहीं मंगाया, इस बार मैंने जो सोफा मंगाया है वो एक सोफा मंगाया 2 सीटर एक 3 सीटर जो कि यही इसको रिप्लेस करके यहाँ पे और इस जगह पे यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, तब तक के लिए सोफा का लुक चेंज करते हैं, सोफा को आने में अभी 1.5 हफ्ते हैं, तो आप सोच रहे हो ये सोफा क्या होगा, ये सोफा जाएगा हमारे दूसरे वाले रूम में जिसको हम स्टूडियो रूम बनाने वाले हैं, यह है सोफा कवर, ये भी मैंने डार्क ब्लू कलर का मंगाया है, अब इसकी काया पलट करते हैं। 1 2 3 वाओ, इसका प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा, और ब्लू कलर है, डार्क है तो बर्फी गंदा भी नहीं करेगा, और ये हॉल का लुक भी बहुत चेंज हो गया है। गाइस आज मुझे अपने पुराने रूम जाना है, क्या हो गया, पुराने रूम जाना है, सुपर एक्साइटेड, तो चलिए आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ, आज लास्ट बार जा रही हूँ, थोड़ा जो वहाँ के पहले के मकान मालिक से उनसे बात करनी है, और कुछ सामान मेरा रह गया वो लेके आना है। हाय एवरीवन, फाइनली मैं जा रही हूँ, भैया से भी मिलूंगी, अपना पुराना रूम भी विजिट करूंगी, बर्फी के लिए दवाई लेनी है उसके डॉक्टर के पास, वो भी लेंगी, अभी बर्फी का डॉक्टर भी चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है ना भी हो, चलो मोहित भी जा रहा है मेरे साथ, इसका भी जाने का मन था, मैंने उसको बताया कि मैं वर्सोवा जा रही हूँ, तो कह रहा तुमने मुझसे नहीं पूछा, ऐसा तो नहीं, तुमने बोला नहीं कि तुम ऐसे कि तुम जा रही हो, मुझसे नहीं पूछा, जैसे इसकी कितनी यादें हैं वहाँ पे, तो चलो शक्ल दिखा दो मोहित, ये सब काट देना, क्यों काट देना, हम हर रोज एक ही पहन के आते हैं, हाँ तो लड़कों का क्या है, लड़कों के पास तो एक कपड़े, मैंने सुना है कि लड़कों के पास एक कपड़े होते हैं, 2 कपड़े होते हैं पूरा साल निकल जाता है लड़कों के लिए, हम लोग के लिए 2 कपड़े का मतलब है कि बस हमारा आखिरी दिन आ गया।
सबसे पहले तो मैं अपने तरफ का ये चाट और ये दही पूरी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, वो खाया। फिर रूम में गए, रूम वैसे का वैसा ही है, अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। ये हमारी कुर्सी जिसपे बर्फी बैठ के खाना खाता था, और ये हमारा कभी रूम हुआ करता था। माई गॉड, सच बोलूं तो इस घर को मिस करती हूं, लेकिन इतना भी मिस नहीं करती। शायद नए वाले घर में कुछ ज्यादा ही बिजी हूं मैं सजाने वजाने में, इसलिए। हाय गाइस, बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है अपनी जगह पे आके। ये देखो भैया ने इयररिंग दिया, दो दो खरीद के रखा था, पहले से भी दिखाती हूँ। अरे बाप रे, चलो गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ। गाड़ी में तो बात कर नहीं पाई, पर शॉपिंग करने चले आए क्योंकि पूछी का फोन आया था कि बहुत कुछ खत्म हो गया, दीदी लेते आना। मोहित सामान लेके आ रहा है, बाहर निकले हम और सामान न ले, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी सामान खत्म ही था, तो अभी आज के गाने का कैंसिल करती हूँ क्योंकि अभी घर जाऊंगी, जाते जाते रात हो जाएगा। कल रिकॉर्डिंग रखती हूँ और बहुत ही प्यारा गाना रिकॉर्ड होने वाला है। बहुत जगह है, नहीं जगह है, जाएगा कि नहीं जाएगा इतना बताओ बस। बहुत जगह है, ठीक है डालिए। आज सीधे हम 10 केजी का ले लिए हैं, झंझटे खत्म हो जाएगा रोज रोज का। शी इज नॉट थैंकफुल एट ऑल। मैं इसके लिए केक लेके आई हूँ। भाई बहन के लिए कौन थैंकफुल है? इसको होना चाहिए मेरे लिए थैंकफुल, मतलब कोई अपने छोटे भाई के लिए कुछ ले जा रहा है। अरे चोई तुम क्या बात है, मुझे घर आए हुए हो गए कहीं 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से लगातार मैं कब से काम की जा रही हूँ। बैकग्राउंड देखो कितना साफ लग रहा है, मैंने किया है झाड़ू पोछा। और एक चीज दिखाऊं, दिखाती हूँ, देखो मैंने किया है ये बेड। ब्लू ब्लू चादर से मैं पक गई थी, इसलिए मैंने कुछ अलग कलर मंगाया है। और बेड करते के साथ ही बर्फी इस पे कूद गया और लाके अपना टेडी बेयर यहाँ पे रख के चला गया। कैसा लग रहा है रूम का वाइब? अभी तो उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि रूम में कुछ खास है नहीं, अभी भी सारी चीज बाकी है लगने के लिए। यहाँ नियॉन लाइट लगेगा, वहाँ टेबल लगेगा, यहाँ पे पेंटिंग्स लगेंगे, यहाँ पे अलमारी वगैरह लगेगा। अभी तो सब स्टोरेज का काम इसी से हो रहा है। अब हम जा रहे हैं पिज्जा मंगाने, ट्रीट फॉर माई सेल्फ। गाइस आज हम थोड़ा अलग पिज्जा ट्राई कर रहे हैं, मोजो पिज्जा। पिज्जा का नाम है नहीं, मोजो मोजो नाम है पिज्जा के, पिज्जा के ब्रांड का। मोहित ने सजेस्ट किया था कि मोजो पिज्जा से मंगा के खाओ, वो टेस्टी होता है, तो ठीक है देखते हैं खा के। डोमिनोड से डोमिनोड उसको वो जानता होगा ज्यादा, तभी ना ऐसे कुछ तो पूछिए। एक सेकंड, गैस बंद नहीं किया। शिट, 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 रोटी बना के गैस बंद नहीं किया। नहीं बंद है, बंद है। तो महक क्या रहा है फिर? कुछ महक नहीं रहा है तेरे को, जला जला। गैस अभी बर्फी के लिए रोटी बनाया मैंने और रोटी बनाने में घमासान लड़ाई हुआ मेरे और पूछी में, फिर पैचक हो गया तुरंत। बर्फी पिज्जा खाओगे? नीचे बच्चे खेलने आते हैं पार्क में, उनसे ना वो तीन बॉल लेके आया था, चार बॉल लेके आया था, इसने चारों बॉल उठा लिया था अपने मुंह में। फाइनली सब छुड़ा के एक नहीं छुड़ा पाए, एक बॉल ये लेके आ गया। देखो कैसे ये दे ही नहीं रहा था वो। देखो कैसे देख रहा है, ये बॉल उसको दे ही नहीं रहा था। हम लोग बोले थे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, बोले कहते कोई बात नहीं, कोई हम बर्फी के लिए कल हाँ यू कैन टेक इट, कल बर्फी के लिए हम बॉल लेके आएंगे, उन्होंने ऐसा बोला। बर्फी अपने घर तो तुम बॉल खेलते नहीं हो, अपना बॉल इसके पास है नहीं खेलेगा। बर्फी क्यों चुराए हो, किसका है ये? अपने गली मोहल्ले का आदत बंद करो तुमने। इसको नहीं, इसको मैं डेकोरेशन में रखूंगी। बर्फी इसको नहीं लेना ठीक है, इसको डेकोरेट देखो कितना सुंदर लग रहा है। बर्फी नहीं लो, नहीं लो, नहीं लो बर्फी, नो नो गुड बॉय, नहीं लो, नहीं लो बर्फी, नहीं रख दो बेटा, रख दो, नहीं दोगे जब जाइए। चुरा के भी लाया, यहाँ भी नहीं रखने दे रहा है, भाग यहाँ से चुट्टा। एक किसका ये भी मैंने रखा था वहाँ डेकोरेशन में, ये भी बार बार उठा के लेके चला आ रहा है। बर्फी अब इसको रहने देना, इसको नहीं उठाना। वाओ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बर्फी का खिलौना इसमें बहुत क्यूट लग रहा है। सा गुड्डी मेरा न्यारा सा गुड्डी कहाँ चला गया, अब तो नहीं मिलेगा। कुछ छीनो इसे, छीनो तो जरा, ऐ दो जल्दी, दो जल्दी, दे जल्दी, दे 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 डेढ़ घंटे वेट करने के बाद ये खाना आया है हमारा। चलो लेट्स सी कैसा है, ये क्या है। डेढ़ घंटे पहले खाना ऑर्डर किया था, इन्होंने बोला कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कंप्लेन डाल सकते हो आप। कैसा है? बहुत टेस्टी है, बिना किसी टॉपिंग के ही बहुत अच्छा लग रहा। दिस इज द चीज मार्गरिटा पिज्जा, दिस इज पनीर पिज्जा, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। वाओ इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा ना। दिस इज द गार्लिक ब्रेड विच इज लुकिंग वेरी नाइस विद दिस डिप। वी कांट वेट टू ईट, समझा रहे खाने। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ यू डिड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जाके अभी पिज्जा खाओ। बाय।